हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ये भगवान से कामना है कि इस बार आप लोगों को ज़रूर सफल बनाएं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के बहुत पद हैं। और जो लोग एनकेएस लर्निंग कैंपस से जुड़े हैं, उन लोगों के एक खुशखबरी और कि दीपावली के बाद विधिवत क्लासें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। और एक उसमें टारगेट बैच भी है, जो टारगेट बैच है उसमें टेस्ट सीरीज है, तो ये दीपावली बाद लोग स्टार्ट करेंगे। और कल संभवतः अवकाश रखेंगे 2 दिन का, और इसके बाद हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ पुनः इस अभियान को एक गति तेजी से देंगे, जिससे कि सिलेबस जो है टाइमली समाप्त हो जाए, क्योंकि संभवतः एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। तो जो लोग जुड़े हैं वो विशेष ध्यान देना कि एक टारगेट जो बैच है उसके लिए आप लोग मैसेज करिए कितने लोग उसमें बैच में शामिल होना चाह रहे हैं। तो उसका तो टाइम फिक्स है, पर डे उसकी 2 से 3 घंटा क्लासें चलेगी, और वही क्लास चलेगी जो सेम डिटो पेपर जैसे टेस्ट सीरीज बनाएंगे। हालांकि सीक्वेंस में हम लोग चल ही रहे हैं, यहाँ इतिहास वाला हम लोग वहाँ पर सारे विषय रहेंगे। सारे विषय मीन्स ये कि सारे टॉपिक जीएस ही आता है समीक्षा अधिकारी में और हिंदी, तो जीएस के लगभग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और हिंदी वाला। तो आज हम लोग पहले तो जो शेष बचा है भाग, चूँकि हमने बताया था कि गवर्नर जनरल जो है उसका बहुत बड़ा पोर्शन है मॉडर्न इतिहास में, अगर देखा जाए तो कुछ कम आधा तो यही हो जाता है। तो अगर विधिवत पढ़ लिया जाता है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम लोग जहाँ कल समाप्त किए थे आगे हम लोग चलते हैं। और कहा जाए कि हम लोग जो समाप्त किए थे कल, लॉर्ड कैनिंग पूरा नहीं हुआ था, स्टार्ट ऐसे बताया था हमने, लेकिन आज लॉर्ड कैनिंग से हम लोग चालू कर। कहा जाए कि लॉर्ड कैनिंग वास्तव में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। जब वायसराय बना है तो 1858 अधिनियम के तहत बना है, और अंतिम गवर्नर यानी कि कहा जाए कि यही लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इसके बाद वायसराय पद हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर स्वतंत्र शब्द नहीं लगा है। देखो आज पहले समझ लो आप लोग वो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। एक होता है गवर्नर, जैसे ये आएगा क्वेश्चन कि बंगाल का गवर्नर जो प्रथम था कौन था। फिर इसके बाद देखो होने तो कई आए हैं, जैसे प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर कौन आ जाएगा, तो लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। एक बार थोड़ी ट्रेमिंग बता दे रहे हैं, फिर हम लोग वहीं पर लॉर्ड कैनिंग पास आएंगे। लॉर्ड क्लाइव ये प्रथम गवर्नर था। क्लाइव के बाद कौन आता है, हावेल आता है। हावेल के बाद कौन आता है, वेनिस्टार्ड आता है। और वेनिस्टार्ड के बाद कौन आता है, वेरे लस्ट आता है। और फिर कौन आता है, क्लिस्टर्स आता है। फिर कौन आता है, वारिंग थिंग्स आता है, थिंग्स आता है। और कहा जाए वारिंग स्टिंग्स के बाद, अब देखो पहले ध्यान देना,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये सब गवर्नर हैं, क्या हैं ये सारे बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक ध्यान देना, ये बंगाल के गवर्नर हैं। लेकिन बंगाल का प्रथम, अब ध्यान देना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये 1773, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो वारिंग हेस्टिंग्स के बाद हमने क्या बताया, लॉर्ड, ध्यान देना इसको, पहले लॉर्ड, जो लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था, कहा जाए ये भारत का, देखो ध्यान देना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना, किस अधिनियम, अधिनियम याद रखना, 1833 नियम के तहत बना था। अब इसके बाद जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जनरल कौन था, तो यहां पर याद रखना लॉर्ड कैनिंग है। फिर इसके बाद भारत का प्रथम वायस राय कौन है, कौन है, तो ये 1858 अधिनियम के तहत कौन था, तो यही लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये चीज याद रखना। अब एक चीज और देखो ध्यान देना, अब यही चीज आता कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब फिर ये देखो ध्यान देना, स्वतंत्र शब्द लग गया, भारत का गवर्नर पूछ रहा, ठीक है, अब इसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय, देखो यहां पर पकड़ना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब यहां पर क्या लगाएंगे, सी राज गोपालाचारी, याद रखना मित्रों, अब कहीं से गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव लगा के आएंगे। फिर इतने और ये दिए लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है, यहीं पर याद रखना यहां पर क्या हुआ था, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि यहाँ पर, यानी कि कहा जाए बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। और एक चीज और याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल शब्द लग गया था, क्या ये जनरल शब्द और लग गया, तब वारिंग हेस्टिंग्स आ जाएगा। अब यहीं पे स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को लगा के आएंगे, अगर यही स्वतंत्र भारत का। अब देखो यहाँ पर यह चीज याद रखना, फिर इसके बाद हाँ इधर स्वतंत्र भारत का कौन है, तब वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन अभी भारत का प्रथम गवर्नर कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर, तो अधिनियम 33 के तहत तब इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक को लगाएंगे, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन है, तब लॉर्ड कैनिंग को लगाएंगे, और स्वतंत्र भारत का, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर, भारत का वायस राय पूछा जाए तब क्या लगाएंगे, लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत शब्द जुड़ा हो, स्वतंत्र भारत का गवर्नर पूछा जाए, तब लॉर्ड माउंटबेटन को लगाएंगे, और स्वतंत्र भारत का भारती पूछा जाए तब सी राजगोपालाचारी लगाएंगे। तो ये चीज याद रखना, कभी गलत नहीं करना, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पुनः आपको समझाएं जरा एक तरफ से, तो ये देखो पहले हम लॉर्ड कैनिंग तक हो गया था कल,
लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आता है? देखो पहले ये समझ लो, लॉर्ड कैनिंग यानी कि 1856 से यानी 62 तक आया, फिर लॉर्ड एल्गिंग आएगा 1862 से 63 आएगा, 1862 से 63 आएगा, और फिर सर जॉन लॉरेंस आएगा 1864 से यानी कि 68 तक, फिर लॉर्ड मेयो आएगा, लॉर्ड मेयो कितना से 1869 से 72 आएगा, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक आएगा यानी कि 1872 से 76 आएगा, फिर इसके बाद लॉर्ड लिट्टन आएगा, लॉर्ड लिट्टन यानी कि कहा जाए 1876 से 80 आ गया, फिर लॉर्ड रिपन आ जाएगा, लॉर्ड रिपन यानी कि 1880 से 84 आ जाएगा, फिर लॉर्ड डफरिन आएगा, लॉर्ड डफरिन यानी कि 1884 से 88 आ जाएगा, फिर लॉर्ड लेस डाउन आएगा, लॉर्ड जो लॉर्ड लेस डाउन है ये 1800 यानी कि 89 से 93 आ जाएगी, फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यानी कि 1894 से 99 आ जाएगा, फिर लॉर्ड कर्जन फिर 1899 से 1905 आ जाएगा, फिर लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यानी कि 1910 से 16। इतने अभी मुझे ये आप लोगों को क्रमबद्ध यानी कि समझाते हुए अभी बताएंगे, ठीक इतना ही ये हो पाएगा, फिर इसके बाद पेपर कराएंगे और कल तो पूर्णता समाप्त हो जाएगा अगर कल क्लास रही तो, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों गलत नहीं होगा। अब हम लोग चालू करते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का याद रखना कि वास्तव में लॉर्ड कैनिंग के विषय में याद रखना कि जो लॉर्ड कैनिंग था इसी के समय क्या क्या हुआ था। कि पहली चीज तो याद रखना कि 1857 की क्रांति हुई थी, इसके समय क्या हुई थी, 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी, तो इसी के समय हुई थी। ये भी याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, और इसके समय तीन विश्वविद्यालय यानी कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल में था यानी कि बंगाल में था, फिर इसके बाद कहाँ यानी बंगाल कलकत्ता में, इसके कलकत्ता याद रखना कलकत्ता में था, और कलकत्ता के बाद बम्बई में है, और बम्बई के बाद मद्रास में, यानी कि तीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बंगाल पहला है और बंगाल के बाद बम्बई है मद्रास है, फिर तीन उच्च न्यायालय यानी कि इसी के समय बने थे, यानी कहाँ कहाँ, बम्बई है, बम्बई के बाद कलकत्ता है, और कलकत्ता के बाद मद्रास है, तीन ये बने थे। और इसके समय एक चीज़ और याद रखना कि लॉर्ड कैनिंग के समय आईपीसी धारा, आईपीसी जो धारा थी इसी के समय की देन है, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय, और लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हो गया था। और कहा जाए कि लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में चाय के बागवान लगाए थे, और कहा जाए चाय के साथ नील यानी कि असम में चाय के बागवान लगाए, और नील की नीलगिरी पहाड़ियों पर कॉफ़ी के इसने बागवान लगवाए, ठीक है। तो ये काफ़ी की वो चालू करवाए थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो गए, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग एक उदारवादी शासक था, इसने बहुत कार्य किए, लेकिन 1857 की क्रांति में खुद इसने कहा था कि आज की क्रांति निर्णायक क्रांति होगी, हो सकता है यहाँ से कोई कि अंग्रेज बच के बिना जा पाए, ये स्टेटमेंट भी दिया था। फिर लॉर्ड एल्गिन आया, तो लॉर्ड एल्गिन जब द्वितीय बैठता है 1862 से 63 तक बैठता है, कहा जाए लॉर्ड एल्गिन इसके समय यानी कि कई कार्य हुए, यानी कि लॉर्ड एल्गिन ने देखा जाए कि इसी समय भारतीयों के लिए ने अलग अलग यानी कि कुछ विद्रोह भी इसी के समय हो गए, और इसके समय एक अकाल पड़ा था, और कहा जब जब अकाल पड़ा उड़ीसा में और बंगाल में, तो ये कहा जाता है कि बर्मा से इसने चावल का निर्यात भी किया था, ठीक है, चावल मंगाया वहाँ से, आयात किया था, निर्यात नहीं, चावल मंगाया। और इसके बाद लॉर्ड एल्गिन यानी कि अकाल के लिए एक इसने यानी कि आयोग का गठन भी कर दिया था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आया, सर जॉन लॉरेंस, तो सर जॉन लॉरेंस जब आया है तो कहा जाए इसके समय भी विद्रोह, और एक चीज़ याद रखना कि इसके समय एक कूका विद्रोह हुआ था, ये जरूर पूछा जाता है कूका विद्रोह किसके समय हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, तो यही लॉर्ड एल्गिन के समय सर जॉन लॉरेंस बैठता है, तो सर जॉन लॉरेंस जब बैठे हैं
तो ये बहुत मतलब कोई बहुत खास कार्य नहीं कर पाए, और कहा जाए कि इनकी भी हस्तक्षेप की नीति रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन जरूर बनता है। लॉर्ड मेयो से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली जनगणना, यानी कि प्रथम अगर जनगणना की बात करें, प्रथम जनगणना की शुरुआत किसने की थी, तो 1871 में, यानी कि इसी ने चालू की। ठीक है, 1871 में जनगणना की शुरुआत करने वाला लॉर्ड मेयो था, और एक अमृतसर में, यानी कहा जाए कि अमृतसर में, अमृतसर नहीं, अजमेर में, सॉरी, अजमेर में, एक अजमेर में इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कौन से? मेयो कॉलेज की स्थापना की, यह भी याद रखना। और कहा जाए कृषि आयोग के लिए इसने एक विभाग खोला, कृषि आयोग का गठन किया था, कृषि आयोग का एक गठन कर दिया कि भाई किसानों के लिए इसने ज़्यादा ध्यान दिया, कृषि आयोग भी हो जाए। और इसके बाद इसकी जो है कहा जाए कि बहावी आंदोलन का जो एक नेता था बहावी, तो उसी ने एक पठान जो था उसने इसको छुरा मार के घायल कर दिया था। और कहा जाए इसकी कब्र कहाँ पर है, तो अंडमान में है, अंडमान में इसकी कब्र भी है। ठीक, तो नॉर्थ बुक आए, नॉर्थ बुक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है इनसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन सीक्वेंस में याद रखना इनको, याद वो पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन लॉर्ड लिट्टन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन से क्वेश्चन कैसे बनता है कि लॉर्ड लिट्टन जब बैठा 1876 से 80 तक, तो इसके विषय में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे, अभी बता रहे हैं। देखो, लॉर्ड लिट्टन के विषय में क्वेश्चन, लॉर्ड लिट्टन के विषय में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर जरा ध्यान देना कि इसको पहली चीज मैरियन, मैरियन ओरिडिथ, मैरियन ओरिडिथ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कवि भी था, साहित्यकार था और निबंध लेखक, तो इस वजह से इसको ये उपाधि दी गई। और कहा जाए इसी लिट्टन के समय, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना, और ये कब, तो देखो ध्यान देना, 1800 यानी कि 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बन गया था, और ये प्रेस पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद इसने एक चीज़ और, आर्म्स एक्ट किसके समय बना था, आर्म्स एक्ट इसी के समय बना था। और कहा जाए इसने जो सिविल सेवा आईसीएस की जो एज थी, यानी कि 23 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी घटा के। ठीक है, 23 वर्ष से 19 वर्ष घटा के कर दी थी। और कहा जाए इसी ने एक जो अक्सर पूछा जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो रानी विक्टोरिया, यानी कि लॉर्ड लिट्टन के समय, ध्यान देना कि लिट्टन के समय, एक चीज़ याद रखना, बहुत पूछा जाता है इसका, कि दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। दिल्ली दरबार प्रथम था ये, दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार देखो किसके किसके समय हो गया ये भी जान लो। एक लिट्टन के समय हुआ था, एक कर्जन के समय हुआ था, एक लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक, तो ये कर्जन के समय भी हुआ था, यहाँ एडवर्ड सत्तम आए थे, एडवर्ड यानी कि सत्तम, एडवर्ड सत्तम आए, और यहाँ जॉर्ज पंचम आए। बहुत पूछा जाता है, जॉर्ज पंचम और पत्नी भी साथ में आई थी, मैरी, मैरी भी साथ आई थी। और जो यहाँ पर दिल्ली दरबार ये पहला वाला हुआ था, ये फर्स्ट वाला, यहाँ कैसरे ए हिंद, कैसरे ए हिंद की उपाधि, कैसरे ए हिंद, कैसरे ए हिंद की उपाधि जो है किसको दी गई थी, महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया जो थी, याद रखना,
कि महारानी विक्टोरिया को भारत की एक सामग्री घोषित किया गया था। क्या भारत की एक सामग्री घोषित किया गया कि भाई ये केसरे ए हिंद, यानी कि अब यहाँ उपाधियाँ देना चालू हो गया। और इसी तरीके से कर्जन के समय दिल्ली का दूसरा दरबार होता है, एडवर्ड सत्तम आता है। और इसी तरीके से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कहा जाता है जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। और ये अक्सर क्वेश्चन बनता भी है कि कौन ऐसा एक गवर्नर था जो अपनी पत्नी के साथ आया, तो जॉर्ज पंचम आया। ठीक, तो तीन दिल्ली दरबार हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद कहा जाए कि सबसे, हाँ एक चीज़ और, एक अकाल आयोग का लिट्टन के समय, अकाल आयोग के लिए एक जान रिचर्ड जान रिचर्ड के समय अकाल आयोग का गठन हुआ था, यह भी याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, अकाल आयोग का एक गठन हुआ था, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति एक आ गए और हैं यहाँ पर, लॉर्ड रिपन। रिपन के विषय में देखो जरा, अगर लॉर्ड रिपन की हम बात करते हैं कि भारत का सबसे उदारवादी गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड रिपन को याद रखना। लॉर्ड रिपन जो था, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, यानी कि जो रोक लगी थी, समाप्त कर दिया। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया। दूसरी चीज, लॉर्ड रिपन ने यह भी कहा था कि जब एक अंग्रेज, यानी कि कहा जाए जज या गवर्नर, जब उनको सजा दे सकता है भारतीयों को, तो एक भारतीय को भी वही पावर मिलनी चाहिए, वो भी अंग्रेजों को सजा दे, यानी कि कोई भी पद पर नियुक्त होता है व्यक्ति, ठीक है, जजेज वगैरह पे, तो ये चीज़। दूसरी चीज़, भारत में स्थायी जनगणना, अगर कहा जाए भारत में स्थायी जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना किसने चालू की थी, और जो आज वर्तमान में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है, ये लॉर्ड रिपन की देन थी। किसकी थी? तो रिपन की देन थी। तो रिपन ने यह भी कर दिया। और कहा जाए कि रिपन के समय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। कहा जाए कि अब जो है कि उच्च शिक्षा के लिए भी इसने ध्यान दिया, यानी कि पहले जो था, पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने शिक्षा पर ध्यान दिया, तो लॉर्ड डलहौजी के समय, और लॉर्ड डलहौजी के बाद अगर आता है तो लॉर्ड रिपन, शिक्षा आयोग का गठन किया। और कहा जाए कि रिपन के समय एक, यानी कि कहा जाए कि शिक्षा से संबंधित आयोग का भी गठन हो गया था, शिक्षा आयोग, यानी कि यह भी गठन हुआ। और दूसरी चीज, इसने एक कार्य और कर दिया, वो इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल जो है, इसी के वजह से ये यहाँ से कहा जाए भारत से त्यागपत्र दे देता है। और कहा जाए सबसे उदारवादी अगर गवर्नर की तुलना की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसने सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने ये कहा था कि ये जात से तो अंग्रेज है, रंग रूप से तो अंग्रेज है, लेकिन कार्य पद्धति, कार्य शैली से अगर देखा जाए तो ये एक भारतीय है। ठीक है, तो इनने इस तरीके से कहा। कहा जाए ये लॉर्ड रिपन ये कहता था कि मेरी तुलना जो है मेरे कार्यों से की जाए, ठीक है, ना कि मेरी जात पद्धत से की जाए। ठीक है, मेरी तुलना कार पद्धत से की जाए, यानी कि मेरा कार देखा जाए कि वास्तव में मेरा कार अगर अच्छा लग रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो भाई अन्य लोगों की जैसी मेरी भी तुलना करना। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के विषय में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये इनको ध्यान देना कि पहली चीज़ तो यही कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन को याद रखना, स्थायी जनगणना किया था, और कहा जाए इसी के समय शिक्षा आयोग का भी गठन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन बनता है लॉर्ड डफरिन। अब लाल डफरिन के समय, यानी कि लाल डफरिन समय कांग्रेस की, ध्यान देना, कांग्रेस की स्थापना
किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में हुई थी। और कहा जाए इसने किसको सुझाव दिया था, तो ए ओ हुम को दिया था। किसको? ए हुम को ये सुझाव दिया था। और ये आईसीएस था। कौन था ये? आईसीएस था। और ये कहाँ का? इटावा का कलेक्टर था। कहाँ का? इटावा का ये यानी कि कलेक्टर था, यानी कि डीएम था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, इसने उस समय देखा कि अब भारतीय लोग उग्र हो रहे हैं, तो इसने उनका ध्यान को भ्रमित यानी भटकाने वाला कार्य किया कि क्यों ना इनका लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया जाए, जिससे कि विद्रोह ना हो। इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और क्वेश्चन बनता है कि ए ओ ह्यूम कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? तो कभी नहीं रहे थे, ये मात्र सचिव के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज, लॉर्ड डफरिन के समय ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी कहा जाए कि 1885 में ये हुआ और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? तो इन्हीं के समय हुई। और लॉर्ड डफरिन के समय एक लेडी फंड गठित हुआ था। लेडी फंड गठन किसके समय हुआ? तो इसी के समय हुआ। और कहा जाए कि इसी ने यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए बात भी कही थी कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर लॉर्ड लेसडाउन, यानी कि लॉर्ड लेसडाउन आया, तो ये कहा जाता है इसने स्त्रियों के लिए, स्त्रियों यानी कि स्त्रियों के लिए समय का ध्यान दिया गया। यानी कि कहा जाए कि इसने लेसडाउन ने ये कहा कि अब कोई भी स्त्री है 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगी। तो यानी कि पहली बार एक आयोग का गठन कर दिया कि स्त्रियों को अब 11 घंटा ही कार्य करना पड़ेगा। और इसी समय यानी कि एक यानी कि क्या शादी यानी कि विधवा विवाह नहीं, इसके समय विवाह अधिनियम बना था। यानी कि विवाह अधिनियम, यानी विवाह अधिनियम जो बना, लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़के की आयु 14 वर्ष। और ये लड़की के थे, ये लड़के के, यानी फीमेल और ये मेल। और ये कहा जाए कि ये कब बना था, ये भी ध्यान देना। 1889 में एक यानी कि विवाह अधिनियम पारित कर दिया। और इसी के समय अब ये फिक्स हो गया कि 12 और 14 वर्ष आयु रहेगी, इससे कम अगर जिसने विवाह किया कानूनी अपराध है। और महिलाओं को 11 घंटे से ज़्यादा यानी कि कार्य नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़, इसी ने फिक्स किया था क्या कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी मिले। क्या कहा था? कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी रखी जाएगी। अब इसके बाद लॉर्ड कर्जन आता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के विषय में देखो जरा। अब देखो, ध्यान देना कि लॉर्ड वास्तव में जो लॉर्ड कर्जन है, ये लॉर्ड कर्जन 1899 में बैठा और 1905 तक बैठता है। ठीक है, कहा जाए इसके समय कई कार्य हुए थे। नंबर एक, बंगाल विभाजन इसके समय हुआ, तो इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ। ठीक, दूसरी चीज, पुरातत्व विभाग की नींव पड़ी, पुरातत्व विभाग की नींव। तीसरी चीज, कृषि के लिए अलग एक विभाग। अलग विभाग। चौथी चीज, रेलवे बोर्ड का गठन। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय हुआ? रेलवे बोर्ड का आयोग का गठन इसी के समय हुआ। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ। रेलवे और सीबीआई का गठन किसके समय हुआ? इसी के समय हुआ, ये भी याद रखना। यानी कहा जाए इसकी तुलना किससे की गई थी? तो औरंगजेब से की गई थी। औरंगजेब से की गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब से तुलना किसकी हुई? लॉर्ड कर्जन की।
तो लाड़ कर्जन के समय कई चीज़ें होती हैं कि लाड़ कर्जन वास्तव में अगर देखा जाए तो बंगाल जब विभाजन हुआ है इसके बाद इसने यानी कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार भी किया था कि सर्वाधिक ज़्यादा यहाँ पे अभी ध्यान देना सर्वाधिक रेलवे का विस्तार किसके समय हुआ तो लाड़ कर्जन का। ठीक है तो ये चीज़ें याद रखना, लाड़ कर्जन से बहुत पूछा जाता है। ठीक तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है लाड़ कर्जन से। अब इसके बाद लाड़ कर्जन के बाद लाड़ मिंटो बैठता है, तो लाड़ मिंटो के समय याद रखना कि जो तिलक को है तिलक को 1906 में यानी कहा जाए तो 6 वर्ष की कैद हुई थी, 6 वर्ष की सजा दी गई थी। और कहाँ पर इनको भेजा गया, अंडमान भेजा गया था और कहा जाए इनको काले पानी की सजा दी गई थी लॉर्ड मिंटो चुती के समय। ठीक है तो लॉर्ड मिंटो के समय ये हुआ और कहा जाए इसी के समय यानी कहा जाए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इसके समय यानी कि स्वराज शब्द देखो ध्यान देना 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, कहाँ हो रहा था तो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो 1906 में स्वराज शब्द इसी के समय पारित हुआ था। स्वराज शब्द जो है किसके समय तो इसी के समय, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी यह भी याद रखना कि दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था और स्वराज शब्द जो प्रस्ताव पारित हुआ और उनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है तो लॉर्ड मिंटो को याद रखना कि ये यानी कि ये भी हो गया और कलकत्ता में यानी कि कहा जाए कि उस समय यानी कि अधिवेशन हुआ और 1906 में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि तिलक को किसके समय सजा हुई तो इन्हीं के समय हुई। और एक चीज़ और याद रखना कि तिलक ने दो कार्य किए थे, दो कार्य कौन कौन से किए थे, एक तो गणेश महोत्सव शुरुआत किसने की थी, गणेश महोत्सव शुरुआत किसने की थी तो तिलक ने की थी, और शिवाजी महोत्सव, कौन सा शिवाजी महोत्सव, तो ये दो त्योहारों की शुरुआत की। और ये दोनों त्यौहार महाराष्ट्र में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लोग ले रहे थे क्योंकि उस समय 144 धारा लागू रहती थी, उन्होंने सोचा कि धर्म के नाम से ऐसी ये अपनी अगर व्यवस्थाएं चालू करेंगे तो इसमें लोग भी जुड़ेंगे और कोई कुछ इसमें मतलब कि कहा जाए कि विद्रोह भी नहीं होंगे। ठीक है तो ये चीज़ें तो गणेश महोत्सव शिवाजी महोत्सव ये नहीं की देन है, ये 1893 में चालू हुआ था और ये 1895 में चालू हुआ था, 1895 में। तो गणेश महोत्सव 1893 और शिवाजी 1895 में, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है अगले टॉपिक कि आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराएंगे, कल पूरा समाप्त हो जाएगा, आज थोड़ा सा बचा है वही कब कल कर देंगे पूरा। अब लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग जो द्वितीय था, लॉर्ड लगा लेना शब्द, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो ये कहा जाए कि अगर देखा जाए तो इसी समय दिल्ली जो है राजधानी बन, और कब 1911 में ट्रांसफर हुआ और 12 में स्थायी रूप से राजधानी दिल्ली बन गई। ठीक तो ये चीज़ याद रखना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक और लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होने जा रहा था तो यहाँ पर भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है दिल्ली दरबार में, तो यह भी चीज़ याद रखना। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये घटना होती है। ठीक है तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जब ये राजधानी पहले हमारी कहाँ थी, कलकत्ता, और कलकत्ता से अब राजधानी हमारी कहाँ हो गई तो दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी इसी के समय हुई, यही पूछा जाता है और ज़्यादा इसके चक्कर पड़ना और नहीं पूछा जाता। ठीक है तो लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी ट्रांसफ़र हो गई थी और कहा जाए कि वास्तव में दिल्ली जो दरबार था तीसरा जो दिल्ली दरबार था, तृतीय दिल्ली दरबार,
इसी के समय हुआ था। और कहा जाए जब ये तृतीय दिल्ली दरबार हो रहा था तो यहाँ कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था, तो जॉर्ज पंचम, और इसकी पत्नी जो थी मैरी, ये आए थे। और कहा जाए इनका यहाँ पर स्वागत हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली दरबार कुल तीन हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का रहा ये, और कल हम पूर्णतः समाप्त आपका कर देंगे। और इसके बाद आज वाले जो पहले लोग तो जितने क्वेश्चन आए हैं टेस्ट सीरीज वाला, वो देख लीजिए, और कल पूरा इसका हम समाप्त करेंगे और कल पूरी टेस्ट सीरीज करा देंगे। तो गवर्नर जनरल के हमने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखे हैं। और एक चीज़ जान लेना, बहुत जगह तो ये मैच करने का थे, चार क्वेश्चन पूछ देंगे, क्रम पूछ देंगे, फिर एक फिर क्रम पूछेंगे, और या कहीं 20 उठा के रख देंगे। अभी अक्सर पूछा जाता है कि कौन एक गवर्नर था जिसके भारत में जनगणना चालू हुई, तो लाडमेव लगा देंगे। कौन एक गवर्नर था जिसके समय स्थायी जनगणना चालू हुई, तो लॉर्ड रिपन लगा देंगे। और ये देखो एक अक्सर कि प्रेस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय बना। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है कि आर्म्स एक्ट किसके समय बना। दूसरी चीज़ ICS की एज घटा किसने 19 वर्ष कर दी, 23 वर्ष से 19 वर्ष, तो लिप्टन के समय। और लॉर्ड एल्गिन के एक चीज़ और हमने बताया नहीं, आपको भूल गए, देखो ध्यान देना, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ये कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही राज करेंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो कुल मिला के इसको आज हमने यहाँ तक आपका समाप्त किया, और कल पूरा प्रयास है इसको हम समाप्त कर देंगे। और अभी हम लोग, क्योंकि आज क्लास लेट हो गई थोड़ी सी, अभी हम जल्दी से आपकी टेस्ट सीरीज और करवा दें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग पुनः टेस्ट सीरीज में।